अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास भाई, आप बताओ मौसम का मजा ले रहे हो सर? हाँ कौन कौन छाता लेके घूम रहा है? छाता तो लेके नहीं घूम रहे, हाल चाल बा ठीक बा? तुमको मिलना था ना मेरे से? हाँ, तू ऐसे भी मिल ले ना कभी फोन करके। बिल्डिंग के नीचे आ जा, दिन भर तो अंधेरी में घूमते रहता है। अब तुम लोग पूरा छाप दोगे ये सब ना? छप गया यार। प्लीज यार, आप लोग एडिट क्यों नहीं करते हो सर? हिप हॉप एडिट नहीं होता भाई। पूछना है? पूछो पूछो पूछो। भाई बिग बॉस आ रहा है, जाना चाहोगे बिग बॉस में? नहीं बाबा, अभी तो नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि खतरों खिलाड़ी चल रहा है और हमारा शो बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिलहाल तो नहीं जाना चाहूंगा। बिग बॉस में बुलाया तो आपको? इस बार नहीं आऊंगा बोला तू, आगे शायद फिर से करना चाहूंगा। क्या रीजन नहीं जाने का? इस बार बोला तो खतरों खिलाड़ी हम कर रहे हैं और अभी हमारा शो टेलीकास्ट हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं हम सब लोग, अच्छा शो है, तो अभी जाने का कोई फायदा है नहीं। खतरों खिलाड़ी चलता नहीं, तो बुलाते तो शायद खुशता भी है, लेकिन अभी भी बिग बॉस के लिए ऐसा नहीं है कि कल बुलाएंगे या अगले साल बुलाएंगे चला जाएंगे, उसके लिए माइंड सेटअप करना पड़ता है यार। एक बार मैं जाके देख चुका हूँ वहाँ पे, ऐसे ही नहीं जा सकते यार। सो अगर आपको बिग बॉस जाना है तो आपको अपना प्लान करके जाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है उस शो में, कैसे रहना है, क्योंकि पूरा गेम शो है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गेम शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अगर आपको गेम ही नहीं पता है या आप गेम के बारे में जानते नहीं हो तो फिर जाके वहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे भाई। जैसे कि हमारे भोजपुरी की अक्षरा सिंह, अक्षरा जी गए हैं, तो क्या लग रहा है? अच्छा कर रही है वो, मैंने सुना। मैं उतना बिग बॉस देखता नहीं हूँ, टीवी पे तो अपना यूपी बिहार वाले हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ अक्षरा को बहुत अच्छे से, उनकी माँ को भी जानता हूँ, मैंने साथ में काम किया। सो मैं तो यही बोलूँगा कि बिहार की है तो उससे ज़्यादा सही मैं ये बोलूँगा कि अगर अच्छी कंटेस्टेंट है और अच्छा कर रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप भाई। खतरों के खिलाड़ी के बाद में अपकमिंग प्रोजेक्ट एक्टिंग बेस्ड ही है, देखते हैं क्या होता है बाबा, अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसे ही होगा पता चल जाएगा। थैंक यू, चले चलिए बाय बाय। अभी तो सही है।